दिवाली के सेलिब्रेशंस के बाद दिल्ली की हवा का क्वालिटी बहुत खराब हो गया है, जिसमें ज्यादातर एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 350 से ऊपर है, जो रेसिडेंट्स के लिए सीरियस हेल्थ कंसर्न्स रेज करते हैं। 1 नवंबर को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने रिपोर्ट किया कि सुबह 8 बजे PM 2.5 लेवल्स दिल्ली में 209.3 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा है। इसके साथ आपको बता दें कि दीपावली की रात पोल्यूशन का हालत बहुत खराब था। कुछ एरियाज में PM 2.5 कंसेंट्रेशंस WHO लिमिट से 100 टाइम्स भी ज्यादा थे। हालांकि समय के साथ कुछ सुधार हुए, लेकिन सुबह तक कई नेबरहुड्स वेरी पुअर कैटेगरी में रहे। आनंद विहार का AQI 395 था, जबकि जहांगीरपुरी और द्वारका के AQI 352, 390 और 376 थे। इसके साथ आपको बता दें कि ये पोल्यूशन का क्राइसिस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि चेन्नई और मुंबई जैसे दूसरे बड़े शहरों को भी प्रभावित किया, जहां रेसिडेंट्स को स्मोग और खराब हवा की क्वालिटी का सामना करना पड़ा। इसके साथ दर्शक आपको बता दें कि दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने दिवाली से पहले रेसिडेंट्स से अपील की थी कि वो फायरवर्क्स से बचे और दियाज और स्वीट्स के साथ सेलिब्रेट करें। इस जरूरी बात पर जोर देते हुए कि वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे बच्चे और बूढ़े लोग को बचाना चाहिए, उन्होंने कहा अगर लोग क्रैकर्स नहीं जलाते तो हम टिपिकल पोस्ट दिवाली स्मोक से बच सकते हैं, अपने हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इसी के साथ राय ने फायर क्रैकर्स के सेल को लेकर भी एक्नॉलेज किया और फायर क्रैकर बैन की कंप्लायंस मॉनिटर करने के लिए पुलिस पेट्रोल्स बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दिया, कहते हुए ये हमारा ड्यूटी है कि हम सिटी को पोल्यूट ना करें। इसके साथ दर्शक आप सभी को बताते हैं कि दिल्ली सरकार इस सिचुएशन को एक्टिवली मॉनिटर कर रही है और फायर क्रैकर यूज करने के रिस्पॉन्स में जरूरी मेजर्स ले रहे हैं। अथॉरिटीज इस एनवायरमेंटल चैलेंज से निपटाने के लिए कमिटमेंट है और पब्लिक से क्लीनर एयर के लिए कोऑपरेट करने की अपील करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।